नमस्कार एनबीसी 24 देख रहे आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बिहार में इन दिनों नियुक्ति पत्र बांटने का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए मेरी मौजूदगी अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वहां पर है, जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ बिहार के उपमुख्यमंत्री और वहीं साथ ही जो बिहार के वित्त मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी मौजूद हैं, वहीं जो संजय झा हैं जो कि बिहार के जल एवं संसाधन मंत्री वो भी मौजूद। बता दें आपको कि नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है, लगातार युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। बिहार के जो नवनियुक्त कनीय लेखा लिपिक एवं निम्न वर्गीय लिपिक का जो है नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा है। यह समारोह जो है तमाम युवाओं को जो है नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है इस समारोह में। तो वहीं बता दें आपको कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार यह कह रहे हैं कि बिहार में युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और जिसको लेकर लगातार कार्य किया जा रहा है, तो वहीं नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। बता दें आपको कि बिहार में 10 लाख रोजगार और 10 लाख नौकरी देने का वादा किया गया था बिहार सरकार की तरफ से सरकार बनने के बाद, नई महागठबंधन की सरकार बनने के बाद। तो वहीं बता दें आपको कि इसके बाद लगातार सरकार जो है नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। तो वहीं तस्वीर जो है वो आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है तमाम जिस तरीके से युवा बेरोजगार थे उसको नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। तो वहीं लगातार बहाली को लेकर सरकार कार्य कर रही है और ये जो तस्वीर है आपके सामने जहां देख सकते हैं किस तरीके से बिहार में नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा है। 1006 अभ्यर्थी लमसम है, उनको नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। यहां पर बिहार के मुख्यमंत्री साथ ही बिहार के तमाम जो मंत्री है वो भी मौजूद है। तस्वीर एक बार दिखा सकते, देख सकते किस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री साथ ही वित्त मंत्री बिहार के जो है विजय कुमार चौधरी वो भी मौजूद है। साथ ही देखा जाए तो संजय झा जो कि बिहार के जल एवं संसाधन मंत्री हैं वो भी मौजूद है, वहीं तमाम अधिकारी भी मौजूद है। देखिए नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है और लगातार विपक्ष यह कह रहा है कि बिहार में जो है रोजगार सरकार नहीं दे रही है, पहले ही बहाली जो बहाली है उसको दिखाने के लिए जो है नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, जो पहले से बहाली हो रखी है उसी का नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, बस दिखावा किया जा रहा है। तो वहीं ये तस्वीर जो है वो आपके सामने देख सकते हैं किस तरीके से बिहार के जल एवं संसाधन विभाग में जो है नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, करीब 1006 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। ये तस्वीर जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो युवा हैं उनको रोजगार देने की बात कही जा रही थी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री साथ ही जल संसाधन मंत्री ने भी नियुक्ति पत्र बांटा है। तो वहीं विजय कुमार चौधरी वित्त मंत्री हैं वो भी जो नियुक्ति पत्र है बांट रहे थे। तो वहीं बता दें आपको कि लगातार विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। तो वहीं तेजस्वी यादव लगातार यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि केंद्र सरकार ने भी वादा किया था उनका रोजगार कहां गया, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात कहते थे लेकिन 2 करोड़ रोजगार उन्होंने दिया तो दिया कहां। तो वहीं बता दें आपको बिहार सरकार लगातार नियुक्ति पत्र बांट रहा है। तो वहीं 1006 पदों की नियुक्ति पत्र जो है बिहार के जल एवं संसाधन विभाग में बांटी गई। तो फिलहाल आपने तस्वीर दिखा किस तरीके से नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है और फिर तमाम खबरों के लिए एनबीसी 24 के साथ बने रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे तो हमारे पेज को लाइक करें, अगर ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।